और मैंने इसको रिड्यूस कर दिया इस नए वाले प्रॉब्लम पर, रिड्यूस करने का यू ले सकता है, ठीक है। जब मैं इस कोई भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को इसके ऊपर रिड्यूस कर देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ये सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है उसी बताओ, किस सॉल्यूशन का मतलब है नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं ये बताता हूं, अगर अगर ये सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये पता लगा कि ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से बड़ा है या बराबर, या बराबर बराबर है या नहीं, अभी तक हमने ये प्रूव किया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उससे बड़ा हो। अब तक बराबर की बात हमने नहीं की, बराबर की बात करने के लिए हमें एक कंडीशन और प्रूव करनी पड़ती है और वो ये है P is in, अगर हम ये प्रूव करते हैं T and P में भी है, इसका मतलब पता कैसे, मतलब ये है कि ये L और T दोनों हैं, दोनों के दोनों NP complete है, यानी दोनों के दोनों यहाँ है, मसलन यानी हम कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सॉल्व करेगा एक करने के ये प्रॉब्लम कहेंगे, एक तो किसी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम उठाएंगे और इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, हमें इस टी के बारे में बताना पड़ेगा, ये नई आने वाली ये वाला प्रॉब्लम है कि ये हमारा एनपी है, अगर ये एनपी है हमने ये प्रूफ भी कर दिया तो उसके मतलब ये भी प्रूफ भी कर दिया। तो कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो काम, पहला काम क्या कि हम किसी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को उठाएंगे और उसके ऊपर रिड्यूस कर देंगे। इस लाइन का क्या मतलब है, अभी हो सकता, अभी हमने ये प्रूव किया है कि जो नया नया प्रॉब्लम हो सकता है इससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये कंफर्म पता कि इससे छोटा है, इट इज एज हार्ड एज दिस एल प्रॉब्लम, विच मीन्स दिस न्यू प्रॉब्लम इज एटलीस्ट दैट हार्ड। कितना हार्ड, एनपी क्लास के सारे प्रॉब्लम है, इनसे इनसे तो ये बड़ा है या इनके बराबर है, बराबर है या नहीं वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको प्रूव करें T is also in NP hard है, NP hard है, NP hard है, अगर मैं किसी भी NP complete problem को किसी problem पे reduce करता हूँ तो इसका मतलब वो problem जो जो नया problem आया ये problem इससे hard भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। अभी तक यानी अगर मैं उसकी कंडीशन ना प्रूव करूं तो मैंने एक्चुअली क्या प्रूव किया, मैंने उसकी हार्डनेस प्रूव किया, ठीक है। जब मैं दूसरी कंडीशन में प्रूव करता हूं तो मैं उसकी कंप्लीटनेस प्रूव किया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस फर्स्ट टेस्ट इज हार्डनेस टेस्ट एंड दिस सेकेंड टेस्ट इज एनपी टेस्ट, ठीक है। एंड टूगेदर दे मेक ए प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट, टुगेदर दे मेक द प्रॉब्लम एन पी। ऑल राइट, लेट्स प्रूव फ्यू। अच्छा, रुद्राता साइकिल प्रॉब्लम था एनपी कंप्लीट, बाय द वे ये मैंने छोटा चार्ट बनाया था, इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनपी कंप्लीट हैं और ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि पी में आते हैं, पॉलीनोमियल आता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले फॉर्मल डेफिनेशन बता, ये प्लीज पढ़े और मुझे बताएं कि क्या अच्छा है, ये वही बात है जो मैंने अभी भी बोली। जी सर, लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज का मतलब, लैंग्वेज का मतलब प्रॉब्लम क्या, तो हाँ जी, लैंग्वेज ए इज पॉलीनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू बी, पॉलीनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू बी, यार ये स्थिति खोल दो, पॉलीनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू बी, पॉलीनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू बी का मतलब क्या होता है, पॉलीनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू बी का मतलब यह है, इससे बस वो उसको भी हम जब एनपी रिडक्शन की बात करते हैं, यानी एनपी क्लास में रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यही ये सब है,
साहब मैंने एनपी का प्रेशर बात नहीं करना तो वी हैव टू फिनिश प्लीज तो बी बी वेरी वेरी अटेंटिव ओके और आपको मैं पहले बता रहा हूं कि फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन एमपी को भी मिस होगा ठीक है सो प्लीज आप समझना समझने से बात नहीं समझ सर प्रूफ कर देते हैं क्या किसी भी एनपी कंप्लीट का प्रूफ दे हम एक नया प्रॉब्लम देंगे आपको बताएंगे हम बताओ ये एक आंसर मान लेंगे क्या एनपी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है एनपी के साथ आपके पास एक प्रॉब्लम है ये जर्नल्स में बात की कि एनपी क्लास में जब हम बैठे होते हैं तो हम क्या बात करते हैं हम ये कहते हैं कि ये एक ए प्रॉब्लम है ये एक ए प्रॉब्लम और ये एक बी प्रॉब्लम क्या ए प्रॉब्लम और बी प्रॉब्लम अच्छा मैं कहूंगा ए इज पी बी व्हाट इज ए बी बी लेस देन तो क्या मतलब होता है इसका दूसरा का बड़ा होता है तो यहां पर ए इज पॉलीनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू बी जब मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिर्फ ये है कि ए इज B is as high or more. Yeah, A is at least that hard. B is at least as hard as A. Okay? इसका मतलब है B is at least as hard as B. सबको पास आ गया? Yes. अच्छा, जब मैं एनपी क्लास की बात कर रहा हूं मैं एनपी क्लास की बात कर रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब यहां पर ये होता है कि मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं वो ये है कि अगर ये प्रॉब्लम पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व हो गया तो ये भी पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा बस मैं यदि फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है यानी ये मत समझना ये बड़ी इंपॉर्टेंट मसला है थोड़ा बात ये एक बंदा आता है और कहता है भैया ये बी प्रॉब्लम है ना ये मैंने जी n टू द पावर 10 में सॉल्व कर दिया जो सॉल्व कर लिए n पावर 10 में सॉल्व कर दिया ठीक है ये वॉच में बहुत इंपॉर्टेंट बात इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट ए एल्गोरिथम ठीक है देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम जो अब क्या करेगा वो ये करेगा कि ए प्रॉब्लम है इस ए प्रॉब्लम को यूजिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ठीक है और वो यूजिंग दिस प्रॉब्लम यानी एल्गो क्या करेगा ये किसी कोई एल्गो आया इसको मैं बी ए एल्गो बी कहता हूं ठीक है और तो मैं कहता हूं कि ए आर इसका मतलब है कि एल्गो ए बना सकते हैं जो किसको यूज करेगा इसको यूज करेगा ठीक है यूज कैसे करेगा ये कुछ फॉर एग्जांपल ले सकते हैं ग्राफ प्रॉब्लम को वो ग्राफ में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्या कि वो फिर पैरामीटर के लिए जहां पर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है वो यहां का कोई फीजिबल सॉल्यूशन है ये भी एक्चुअली हम रिडक्शन ही कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यही कह रहा है कि ये एक ए है मैं ऐसा डिजाइन कर सकता हूं जो इसको एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करेगा जो इसको एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करेगा और ये और फिर जो इसका आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा उस आंसर को दोबारा से हम एक दफा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है फिर इसका सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका सॉल्यूशन का मतलब यहां पर ये है ये सबको पास चले तो हम इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको फिर दोबारा ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक्चुअली हमारा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारा ये प्रॉब्लम हाँ इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है मुझे एक दो पॉलीनोमियल की और डस बढ़ जाए यानी ऐसा हो जाए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लेती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से एंड टाइम व्हिच मींस मुझे तकरीबन तकरीबन n टू द पावर 11 में किसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ए ए इसको पास होना है सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यहां करनी पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन यहां करके लेकिन एक बात कंफर्म है अगर ये पॉलीनोमियल में सॉल्व हो गया ये पॉलीनोमियल सॉल्व हो गया ठीक है एक दो पॉलीनोमियल की दस मुझे और पड़ सकती है लेकिन बात बड़ी सीधी सी है ये अगर मेरा पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व हो गया तो ये पॉलीनोमियल टाइम में मैं सॉल्व कर इसे को बात सुना ठीक ये समझे हम क्या है
जी यानी कि अगर कोई ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास एल्गोरिथम बी अवेलेबल, कोई आता है और आके कहता है उसामा को वैसे बड़ा फनी खान बनने में शौक है, उसामा आता है कहता है जी मैंने कर लिया स्वाद, ठीक है, तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, हमें कहेंगे भाजा अगर तुमने ये कर लिया है तो फिर आप ये तुम्हारे अंकल है जो जो सॉल्व हमें पता नहीं हो सकते, ठीक है, इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व है, बस हमें बन जाएगा ये जो इंस्टेंस है तो हमें कहेंगे इसके ऊपर एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाते जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एफ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये पता है कौन सा इंस्टेंस बन जाएगा, ये इंस्टेंस जो एफ आई है ये एक्चुअली कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर एक ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेगा या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसका जो बी के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो अगर बी फॉर एग्जांपल जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो ग्राफ इनपुट लेता है तो एक्चुअली वो सैट वाले प्रॉब्लम को ग्राफ में कन्वर्ट करके दे देगा और ये भला नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व कर, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो इसका मतलब क्या है, फिर मैं उस सॉल्यूशन को जिसका मैंने सॉल्यूशन दिया उस सॉल्यूशन से क्या करूंगा, मैं दोबारा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और सॉल्यूशन बता दूंगा ये है या सॉल्यूशन, व्हिच मींस एक्चुअली मेरा जो जो ए प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो बी प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट इतना हार्ड है जितना ए, ठीक है, इससे ज्यादा हैवी हो सकता है, से ज्यादा मुश्किल वो हो सकता है, ये बस में लेकिन हमें ये कंफर्म है, ये क्या कंफर्म है, एक्सप्रेशन दे दे क्या ये मेरा आंसर दे दे कि ये एल्गोरिथम हमें आंसर है, अगर ये मैं एल्गोरिथम आंसर दे देगा तो हम उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व पॉलीनोमियल दी, हमने एनपी से प्रूव किया या अभी हमने सिर्फ एनपी कम अभी इसका एनपी हार्डेस्ट प्रूव किया, एनपी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमने एक्चुअली एनपी हार्डेस्ट प्रूव किया, सो अगर हम ये रिड्यूस कर दें उसका मतलब है हमने एनपी हार्डनेस प्रूफ किया, ठीक है, और अगर हम एनपी कंप्लीटनेस कर दें, कंप्लीटनेस के लिए क्या करना पड़ता है, वो हार्ड भी होने चाहिए और बी वाला प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, एनपी क्लास का मेंबर भी होना चाहिए, और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, भाई अगर तुम मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो तो मैं उसको ऐसे ऐसे वेरीफाई करता हूं, मैं वेरीफाई और वेरिफिकेशन का कर दो तुम सर को बस ना, ठीक है, ऑलराइट, ये पढ़े ये क्या समझ में आता है, ये मैंने कॉम्प्लिकेशन की ज़बान में लिखा, प्लीज बात सुने पढ़ लिया हाँ समझ आ गया, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नहीं अगर वो सॉल्यूशन दे दे तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर दोबारा फंक्शन लगा रहा हूँ, ये मुझे फंक्शन क्यों चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन है वो तो उस तरह फॉर एग्जाम्पल ये आप अगर ये डाल तो बी है ये ग्राफ का प्रॉब्लम था और जो ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सैट का प्रॉब्लम था, तो ग्राफ वाला तो प्रॉब्लम मुझे ग्राफ का सॉल्यूशन देगा उससे फिर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा करनी पड़ेगी, तो मुझे दोबारा एक फंक्शन में इसका सॉल्यूशन भेजना है जो उसकी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ताकि वो हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम जो जिसको जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन कर सकें, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे पाता तो हमें आवाज इसका भी नहीं होती, अगर उसका सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो भी धीरे सॉल्यूशन दे सकते हैं, एल्गोरिथम फॉर बी क्या है, एल्गोरिथम फॉर बी जो है एल्गोरिथम फॉर बी क्या है ये हमें नहीं पता, ब्लैक बॉक्स ये ब्लैक बॉक्स ये आके उसामा कहता है यार ये प्रॉब्लम जो है ना ये मेरा आके ये मैंने बना ली है या वो कहना चाह रहा है हां भाई अगर तूने बना ली है तो इसका मतलब समझता क्या है, मतलब ये है सर एनपी कंप्लीट बना दी है एनपी कंप्लीट सॉल्व कर दी है एनपी कंप्लीट सॉल्व मैं ये कहना चाह रहा हूं देखो मैंने एक और एनालॉजी दी थी जो एनालॉजी थोड़ा सा दोनों के मतलब बड़े डिफरेंट होते हैं, एक यह है कि मैंने एनर्जी ये ली थी कि तारीख आता है और तारीख कहता है यार देखो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हार्ड है ये प्रॉब्लम हार्ड और ये प्रॉब्लम भी एनपी कंप्लीट है एनपी कंप्लीट अगर मैं नया प्रॉब्लम की यानी एनपी कंप्लीटनेस प्रूव करनी हो तो मैं प्रूव ऐसे करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अज्यूम करते हैं कि इसका सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, अगर मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि मैं फिर एनपी कंप्लीट का ऐसा प्रॉब्लम है उसको इस पर रिड्यूस कर,
विभाग है, और वो रिड्यूस कैसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर इसका एल्गोरिथम मिल जाए, कोई भी आदमी मिल जाए, तो मैं इस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूंगा पर बताए। और वो मैंने कहा कोई मिल जाएगा मतलब है कोई आग फाने खाना भी कह रहा था कि मैंने 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 कहा ठीक है वो ये मिला है नहीं मिला है पार्टी का तुम कैसे जज करेंगे कि वो उसमें एनपी कंप्लीट पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं मिला है या नहीं मिला है वो बात मैं उसको एक ब्लैक बॉक्स ट्रीट करूँ कि अगर ये मिल गया तो ये सॉल्व हो गया, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है मुझे ये बता। फिर ये दोनों ये हमें नहीं पता क्या ये पता ना ये पता। देखो ये हमें ये एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ इस प्रॉब्लम का अगर मैं प्रॉब्लम तो हमें पता है लेकिन प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम मुझे मिल जाए तो मैं इस प्रॉब्लम का भी एल्गोरिथम बना सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम एटलीस्ट इतना हार्ड है जितना ये हार्ड है। ये मतलब अगर इसका एल्गोरिथम ही नहीं है, इसका एल्गोरिथम नहीं है ठीक है, तो हम कैसे उसको उस पे ट्रांसफॉर्म। दोबारा सुनो मैंने क्या बात की, मुझे नहीं पता एल्गो है या नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका एल्गो मिल जाए तो मैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करूं, विच मींस कि ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से हार्डर है या उसके इक्वल है। ये मतलब ये बात सुनाई तो मसला है, मतलब बी का सलूशन हमें मिले ना मिले वो अलग बात, बात यह मिले ना मिले मैं कह रहा हूँ बी का सलूशन अगर पॉलीनोमियल टाइम में तुम ढूंढ लोगे तो मेरा इसका भी सलूशन पॉलीनोमियल टाइम में आते हैं ठीक है, विच मींस ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से हार्डर है या इसके इक्वल है। इक्वालिटी के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि हम उसकी सर अगर एल्गो बी मिल गया लेकिन जो एल्गो है तो वो रिड्यूस नहीं हो रहा बी पे, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? तो फिर फायदा नहीं होगा एल्गो बी का, फिर होता है आउटसाइड होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने बी, अच्छा देखो अब बी एक ऐसा प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ बी एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व करता है, पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व करता है और ये प्रॉब्लम इस पे रिड्यूस ही नहीं हो पा रहा, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं इन दोनों के रिलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, बस नहीं ये प्रॉब्लम है। मैंने ये प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब ये शायद शायद इसके ऊपर रिड्यूस ही नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कह सकता ठीक है। मैं सैट की के छोटे बड़े होने पर बात नहीं कर सकता, बस नहीं ठीक है। अगर रिडक्शन नहीं पता है, मैं एक स्लाइड हमारी ऐसी है जिसमें हमें रिडक्शन आज तक नहीं पता लग सके ठीक है, उसका भी एक अलग मतलब है वो मैं बात बताता हूँ ठीक है। और चलिए जी हाउ टू प्रूव अ न्यू प्रॉब्लम एज एनपी हार्ड, यू आर गिवन बी एज एनपी हार्ड प्रॉब्लम ओके, सो टू शो सी इज हार्ड टू कंप्यूट। अगर अगर कोई भी नया प्रॉब्लम है सी जिसके बारे में बताना है कि वो हार्ड है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, इफ पॉसिबल रिड्यूस रिड्यूस कंप्यूटिंग बी टू कंप्यूटिंग सी ठीक है। अच्छा देन इफ कंप्यूटिंग सी वाज इजी कंप्यूटिंग बी वुड आल्सो बी इजी ठीक है, बट वी नो दैट कंप्यूटिंग बी इज हार्ड व्हिच मींस सी इज एट लीस्ट दैट हार्ड एज एज ठीक है। कुक लेवेन ने क्या चीज प्रूव की थी, कुक लेवेन ने प्रूव किया था कि भाई इस हमारे पास एक प्रॉब्लम हमने ऐसा प्रूव कर दिया जिसके बारे में उसने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये पूरी की पूरी एनपी क्लास के सारे प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है और उनमें अगर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व। उन्होंने जो प्रूफ किया था वो जनरल सैट प्रॉब्लम था ठीक है। हम अच्छा बाद में पहले मैं छोटा सा प्रॉब्लम करता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन दे देते आई होप कि मैं ये कर लूँगा कि एक मुझे तो एक्सप्रेशन था उन्होंने ऐसे प्रूफ किया था, फिर मैं तुम्हें एक सोल्यूशन देता और सोल्यूशन बेटा ये कि हमने पहले रिड्यूस करते रिड्यूस बात करते हैं कि जो कुक लेवेन ने प्रूफ किया था वो थ्री सेट में थे
वो था के सैट, वो जेनेरिक, वेयर के इज ग्रेटर देन, ठीक है, उन्होंने जेनेरिक को किया। अब मैं के सैट को 3 सैट पे पहले पे रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 3 सैट, अगर मैंने प्रूव करना है कि मैंने शो करना 3 सैट प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी हार्ड, ठीक है, 3 सैट ये अगर के सैट के बारे में मैंने प्रूव कर दिया होगा तो मैं अब 3 सैट के बारे में प्रूव करूंगा, ये 3 सैट इज आल्सो हार्ड, ओके। अब नाउ लुक एट दिस, मैं हम कैसे करते हैं 3 सैट प्रॉब्लम क्या कहता है, 3 सैट प्रॉब्लम क्या कहता है कि मेरे पास ये क्लॉजेस मिले हुए हैं, मेरे पास ये क्लॉजेस हैं, प्लीज ये क्लॉजेस हैं C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा मैं मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और इसमें बाय द वे ये हर क्लॉज है उसमें कितने लिटरल हो सकते हैं, कितने कितना बड़ा क्लॉज हो सकता है, तीन सेट में, तीन सेट में क्या हमें ये पता है कि जो जनरल सेट प्रॉब्लम है यानी के सेट प्रॉब्लम क्या के सेट प्रॉब्लम है, ये के सेट इज is NP complete. Case is NP. चलो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम NP completeness प्रूव करते हैं, इसकी मतलब हम case sets का हमें NP complete पता है और हम प्रूव करते हैं कि 3 set जो होता है वो भी हमारा NP होता है, ठीक है। सो मैं थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं जी। case set हम मुझे कोई भी एक एक्सप्रेशन दें जिसमें let's say 5 set होता है, इस तरह के मेरे पास बहुत सारे अलग, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, बाय द वे 3 सैट में हम बेटा क्या प्रूव करते हैं, 3 सैट में हम कहते हैं कि अगर मेरे पास सारे प्रोसेस की लेंथ कितनी ज्यादा कितनी बड़ी है, अगर एट मोस्ट 3 है तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब नाउ लुक एट दिस, लेट्स से एक शख्स है जिसके पास 3 सैट का सॉल्वर, कोई क्लेम करता है 3 सैट का सॉल्वर है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब मैं प्रूव करूंगा कि जो के सैट प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्यूशन अवेलेबल है ना तो मैं के सैट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, रिड्यूस कर दे 3 सैट, अभी हम 3 सैट रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और रिड्यूस वाला कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करते हैं, नाउ लुक एट दिस, ये मेरा क्वेश्चन है ना, इसे देखो मैं कैसे करवा रहा हूं, इसमें लिखता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, ब्रैकेट में ब्रैकेट, इसकी जगह पर करता हूं, इसकी जगह मैंने एक फॉर एग्जांपल y1 मान लिया, ये और y1 को दिए कॉल कर y1, ठीक है। साथ में काम करते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ करते हैं।